राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाने के बाद अहम ऐलान किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं, कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पीछे नहीं है। मालूम हो कि उप मुख्यमंत्री पद पर जहां एक तरफ दिया कुमारी है तो वहीं प्रेमचंद बैरवा भी। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में आ जाने के बाद महिलाओं के समर्थन में भी कई बड़े ऐलान कर चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिया कुमारी जो सीएम की रेस का हिस्सा रही, लेकिन उन्हें पद मिला उप मुख्यमंत्री का। अब देखा जा रहा है कि दिया कुमारी महिलाओं के समर्थन में अपनी बात खुलकर रख रही हैं। हाल ही में दिया कुमारी बीते शुक्रवार के दिन करणपुर पहुंची विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी। दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और माताएं बहनों, आप लोगों का तो मैं मानती हूं कि हम सबका इतना बड़ा एक गौरव का विषय है और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता की है हमारी माताएं बहनों की, वो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी नेता ने नहीं की थी। जो 33% आरक्षण दिया है हम सभी को, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोगों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको जो अधिकार दिया है 33% संसद में, 33% विधानसभा में, ये बहुत बड़ा अधिकार है और हम सब मानती हैं और उनको दिल से हम धन्यवाद देती हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम पे उन्होंने इतना बड़ा विश्वास जताया, इतना बड़ा वरदान हमको दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, जो कि ना तो महिला अत्याचार करने देगी, ना सहेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी माताएं बहनों पर उंगली भी उठा सके, आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं होगी। कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों के बीच आए थे, उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहन करेगा राजस्थान। और जिस तरह से आप लोगों पर अत्याचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप लोगों के साथ न्याय हो। हर जिले में महिला थाना खुलेगा, महिलाओं की सुनवाई होगी, कहीं भी कोई अत्याचार की घटना अगर सामने आएगी तो मेरी माताएं बहने, मैं आपको वादा करती हूँ कि दिया कुमारी आपके साथ खड़ी होगी, आपके दुख में, आपके सुख में। और आज ये मंच देखिए, ये मंच देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस वजह से हमने देखा कि इस चुनाव में हमारी सभी माताएं बहनों ने हम सब लोगों पर इतना आशीर्वाद जताया, इतना विश्वास जताया और इतनी बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी माताएं बहनें, विशेषकर इस क्षेत्र की माताएं बहनें, आपकी एक पीड़ा है कि यहाँ नशे की लत, जो कि मैं तो मानती हूँ, इसमें भी मैं कांग्रेस को ही दोषी मानती हूँ कि उनकी सरकारें बार बार आई लेकिन उनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको वादा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ये नशा मुक्ति पे पूर्ण रूप से काम करेगी और हम सब मिलकर हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ मिलकर ये नशे की जो बीमारी है ना इस पूरे जिले में, इसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।
आपने सुना कि किस तरीके से दिया कुमारी यहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता देती हुई नजर आई हैं। अब हर एक जिले में महिलाओं के लिए यहाँ पर थाने बनाए जाएंगे और देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर महिलाओं के लिए कितनी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। मालूम हो कि गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं के साथ कई जघन्य अपराध देखने को मिले थे, जिसके चलते गहलोत सरकार सवालों के घेरे में भी खड़ी हो गई थी। अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में आ जाने के बाद प्रदेश में क्या कुछ बड़े बदलाव करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।